हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम एफ फिटर में। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों UPRV UNL एग्ज़ाम और इसरो एग्ज़ाम्स के लिए फिटर के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से एक माइक्रोन बराबर होता है। तो दोस्तों एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/100 mm के, 1/10 mm के, 1/1000 mm के और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोलिंग अलाइनमेंट रेस तथा केस निम्न में से किस बियरिंग के लक्षण हैं? तो रोलिंग अलाइनमेंट रेस तथा केस एंटी बियरिंग के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्माशय पदार्थ में अग्निशय ईंटों की तापक्रम सहन शक्ति निम्न में से होती हैं। तो उष्माशय पदार्थ में अग्निशय ईंटें जो लगाई जाती हैं उसकी तापक्रम शक्ति जो होती हैं वो होती हैं 1650 डिग्री फारेनहाइट से 1750 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में पंच का इस्तेमाल निम्न में से प्रयोजन हेतु किया जाता है। तो फोर्जिंग शॉप में पंच का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों? तो टेपर बनाने के लिए पंच का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट राइडिंग में भट्टी यानी कि फर्नेस जो होती हैं के द्वारा बक्से को किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है? तो दोस्तों नाइट राइडिंग प्रक्रिया आप जानते होंगे, तो उसमें भट्टी के द्वारा बक्से को किस तापमान तक गर्म किया जाता है? तो वो 510 डिग्री सेंटीग्रेड से 640 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट के ऊपरी विचलन एवं निचले विचलन को क्रमशः निम्न में से के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो शाफ्ट के ऊपरी विचलन और निचले विचलन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों? ESEI, ESLE नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेपर सेंक वाले ड्रिल रीमर तथा ड्रिल चक जैसे औजार लगाने के लिए लेथ मशीन में निम्न में से किस भाग का प्रयोग करते हैं? यानी कि टेपर सेंक वाले ड्रिल रीमर तथा ड्रिल चक जैसे औजार लगाने के लिए टेलीस्टोक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन को निम्न में से वर्षों में ओवरहॉल करना चाहिए। तो मशीन को दोस्तों कितने वर्षों में ओवरहॉल करना चाहिए? 5 वर्षों में ओवरहॉल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओवरहॉलिंग जो करनी चाहिए वो 5 वर्षों में कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड बुश निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों सॉलिड बुश जो होते हैं वो बनाए जाते हैं ब्रॉन्ज के, ठीक है, ब्रॉन्ज जिसे कि कांसा कहा जाता है, ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट का व्यास ज्ञात करने वाले सूत्र निम्न में से हैं? तो रिवेट का व्यास कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं? D=1.2t, ठीक है, D=1.2t से रिवेट का व्यास ज्ञात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुल्ली कॉलर आदि को शाफ्ट के साथ जोड़ने में प्रयोग होने वाला स्क्रू कौन सा है? तो पुल्ली कॉलर आदि को शाफ्ट के साथ जो स्क्रू जोड़ता है वो कहलाता है दोस्तों हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर परिवर्तनीयता यानी कि इंटरचेंजबिलिटी से मशीनों का टाइम कम हो जाता है, कौन सा टाइम? आइडल टाइम जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कतरनी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? दस्ती सीयर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील स्क्वायर एक आकार के कठोरीकृत निम्न में से धातु का टुकड़ा है। तो स्टील स्क्वायर किसका टुकड़ा है दोस्तों? इस्पात का टुकड़ा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ड्रिल को पकड़ने की युक्तियाँ कौन सी हैं? तो ड्रिल को कौन सी युक्ति पकड़ती है? ड्रिल चक, होल या सॉकेट पकड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों माइक्रोमीटर का जो एनविल बना होता है टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। आप अगर एनविल को नहीं जानते हैं तो माइक्रोमीटर की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस पर जाकर देखिए एनविल क्या होता है दोस्तों। फ्रेम के साथ लगा होता है इस तरह से, यहाँ तक इसका स्पंडल होता है, इस तरह से होता है एनविल, ठीक है दोस्तों। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, होल के साइज 40.00+608 mm में होल की अधिकतम साइज लिमिट कितनी होगी? तो होगी 40.09 mm। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड किए हुए
टूल को इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों उसके लिए टैम्पिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी, जैसे कि आईटीआई की अपडेट हुआ या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी की अपडेट कर रहे हैं अगर आप, तो उसके अपडेट तुरंत पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हर रोज़ आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।